विकृतियाँ था बहुत बड़ी कि दूध को लोग पसंद करते हैं लेकिन गायों से नफरत करते हैं और गाय पालने वाले को सम्मान नहीं देते हैं, जो कि सुबह से शाम तक हर बच्चे से बूढ़े तक ये दूध से बने प्रोडक्ट से शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। तो सर आप आगे बताएं सर, ये सब गायें जो हैं इसका मैनेजमेंट के लिए ये जो लगाया है आपने पॉल सर, इस पॉल से क्या मतलब आपस में लड़ जाती है? हाँ लड़ जाती है और गाभिन होती है और लास्ट पीरियड में रहती है, तो एक दूसरे को धक्का देने से एबॉर्शन का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर पेशाब कर देने से या भिंगा देने से पैर स्लिप करने का डर रहता है इसमें और ऊपर सूखा हुआ नहीं रह पाता है और गर्मी के दिनों में तो कम परेशानी होता है लेकिन ठंडी के दिनों में भींग जाने से गायों को ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब ठंडी के दिन में भींगने से गायों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ऐसे ऊपर सूखा हुआ रहने से कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। तो आपके फार्म के ऊपर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कितना लीटर दूध देती है सर गाय सबसे ज़्यादा? अभी हमारे पास हमारे पास 35 लीटर तक गाय की दी थी दूध जी। हाँ और अभी भी 32 लीटर 31 लीटर तक दूध करने वाली हमारे पास यहाँ पर गाय है, प्रेजेंट में गाय है, आगे भी गाय है। वो दिखाइए सर, तो ये गाय देख सकते हैं कितने वो हाँ हाँ खड़ी हुई। हाँ ये गाय है, देख सकते हैं गाय सब हाई क्वालिटी है और क्रॉस ब्रीड में टॉप क्लास की ब्रीड दिखाई दे रही है, नस्ल बहुत अच्छे हैं गायों का। कौन सी गाय है सर जो 31 लीटर भी करती है? वो भी करती है, ई भी करती है। तो ये गाय है जो सर ने बताया कि 31 लीटर देता है। हाँ। सर 31 लीटर दोनों टाइम मिलाकर के दूध देता है, जो बिहार में 35 लीटर तो रिकॉर्ड ही होगा क्योंकि इससे ज़्यादा कम ही चांस है कि हर जगह गाय अवेलेबल है दूध देने वाला। 30 प्लस जो दूध दे रही है ये भी एक समझ लीजिए अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है उस गाय का फार्म का। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जानकारी है इनके पास और तरह तरह के स्ट्रगल करके तरह तरह के परेशानियों को सामना करके सर जो है इस तरह की अपनी जानकारियाँ या इस तरह से फार्म को बढ़ाया है। और सर क्या जर्नी पीरियड रहा है जब से आपने फार्म शुरू किया? बताते हैं काफ़ी गाय लॉस कर गया था फिर भी आप दोबारा खड़े रहे, इसमें डटे रहे, क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं फार्मिंग में मतलब कैसे? हाँ, बने रहने कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कच्चा बिजनेस है जी। इसमें हानियाँ और लाभ लगा हुआ रहता है, उससे घबराना नहीं चाहिए लोगों को जी। और बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी नस्ल की गाय लेनी चाहिए जी। उसकी रख रखाव पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी ब्रीडिंग हो थनाइल हो चाहे खान पान पर और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए इसका। अच्छा सर एक गाय मान लीजिए 30 लीटर दूध देता है, इसका अदर क्वालिटी देखिए कितना ही शानदार गाय है, बहुत ही अच्छी है। तो सर एक गाय कितना इसको दाना देना देते हैं अगर 30 लीटर कोई गाय दूध देती है? कम से कम 12 से 14 केजी दाना मिलना चाहिए हाँ, जिसमें दाना में शुद्धता होनी चाहिए। आज कभी भी हम कैटल फीड पर भरोसा नहीं किए, जब तक हम 90 से लेकर के 2000 तक हम कैटल फीड का यूज करते थे, जो हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा फेलुअर का समय रहा। कैटल फीड जो कंपनी बना के हाँ उसमें क्या उतना पावर नहीं नहीं, नहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसमें बालू का भी आंसर रहता है, DRB का ज़्यादा आंसर रहता है उसमें और दाना और मिनरल विटामिन का बहुत मात्रा कम रहता है, जबकि रेट बहुत ऊँचे स्तर का लेते हैं लोग, लेकिन उस स्तर का वो लोग दाना नहीं दे पाते हैं। तो उस स्तर का सर बोल रहे हैं कि दाना नहीं दे पाते और रेट बहुत उच्च स्तर का रखते हैं, ये गाय देख सकते हैं सब जो है एक से एक बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हाई मिल्किंग गायें हैं। तो सर जो इस सेक्टर में कोई बीमारी या प्रॉब्लम बताएं सर जो कभी ज़्यादातर जो परेशान करता है? हाँ दो तीन बीमारी है इसमें, एक मेस्टाइटिस हो गया जी। दूसरे में सर्रा हुआ जी। सबसे ज़्यादा मोटिलिटी का मात्रा और संख्या जहाँ भी होता है सर्रा का होता है। सर्रा का 6 महीना पर वैक्सीन लगता है। सर्रा का दवा तो लोग बहुत बताते हैं, जैसे उसके लिए सफिशियंट दवा एलम्बी का हुआ, सर्राल डैमेज हुआ, बेरनिल हुआ, प्रोजोमिन हुआ, लेकिन आज तक जो भी गायों को दिए सब गाय मरी, लेकिन एक ही उसका सफिशियंट दवा है, वो है ट्राइक्विन प्लेन। एक ट्राइक्विन एस है वो सफिशियंट नहीं है दवा, लेकिन ट्राइक्विन जो वेटोक्विनोल कंपनी की है उस सर्रा के लिए 6 महीना पर यदि बॉडी वेट के ही हिसाब से उसको वैक्सीनेशन किया जाए तो मोटिलिटी पर 90% तक उस पर काबू पाया जा सकता है। ट्राइक्विन सर, ट्राइक्विन कौन सी कंपनी है? वेटोक्विनोल क्यूनोल।
वेटोक्यूनोल कंपनी का है, और उसको में एक ट्राइक्विन एस आता है जो सफिशियंट दवा नहीं है वो, हाँ जो, और ट्राइक्विन दवा है जो सर्रा के लिए सफिशियंट दवा है, 6 महीना पर सबकट उसको दिया जाता है, चमड़ा में दिया जाता है। और खनैला से सर कैसे निपटते हैं जो आपके, उसके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाना बढ़ाया जाता है। सर ने बताया इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके हम खनैला से निपट सकते हैं। बहुत सारे बातें इन्होंने शेयर किया है जो किसान भाई हो या आम लोगों के जीवन में एक बदलाव या बिहार के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो सर 2 मिनट मात्र अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस तरफ चले और कुछ उन गायों के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन दें। तो ये सर का देख सकते हैं, ये पटना सिटी के अंदर फार्म है और यहाँ पे इस तरह से गायों को मैनेज करते हैं और देख सकते हैं कितना सुंदर मेंटेन कर रखा है, बहुत ही स्थिति ख़राब नहीं है, साफ सफाई अच्छे ढंग से हो रखा है। और यहाँ पे जो ईट है उसका सोलिंग करके जो फर्श बनाया गया है उसी के लिए गायों को रख रखाव का जो मैनेजमेंट करते हैं, फीड का मैनेजमेंट उधर साइड में कर रखे हैं और शायद ड्राई फोल्डर या जो सूखा घास है वो बाहर किए हुए हैं। हाँ वो बाहर, ये देख सकते हैं सर ये जो गाय है, ये गाय सर कहाँ से लिया था आपने? ये जरुआ मेला से आई थी जी, ये जरुआ मंडी का गाय है, जरुआ गंगा पार जैसे कि दहिने साइड में। इसका सर कितने दिन, ऐसी बात नहीं है, बच्चा दिए ये गाय का? बच्चा दिए हुए 5 दिन हो गया, बाछी बच्चा है इसका और एक करीब करीब 25-26 केजी के लगभग दूध करेगी, अभी भी 20-21 केजी के लगभग इसके पास दूध है जी। 25-26 केजी, हाँ 25-26 केजी के लगभग दूध करेगी जी। मेंटेनेंस के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर सर बोल रहे हैं, अच्छा फीड रहेगा, मैनेजमेंट रहने पर ये दूध अपना मेंटेन कर सकते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर गायों को एक चीज पूछना चाह रहे थे, जो ड्राई पीरियड है वो कितने दिनों में मतलब खत्म करना चाहिए जब दूध रोटेशन गाभिन होने के 6.5 से 7 महीना के अंदर इसको ड्राई कर देना चाहिए कि कम से कम 7 महीने के बाद छोड़ देना है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6.5 महीना से शुरू होना करना चाहिए और 7 महीना तक इसको किसी भी स्थिति में बंद कर देना ही चाहिए। तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? कोई इंजेक्शन नहीं, ड्राई करने के लिए दाना में कटौती किया जाना चाहिए जी। और धीरे धीरे कर उसको ड्राई करना चाहिए। अच्छा, दाना में कटौती करना चाहिए और धीरे धीरे करके सर बोले कि आप दूध बंद कर सकते हैं। तो ये था इनके साथ जो हमारा शेयर किया हुआ अनुभव है, जो बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं सर। वो धनिया दिखा रहे थे कि गायों को देने से थनों में सूजन होता है वो खत्म हो जाता है? हाँ थनों में जो सूजन रहता है एक तरह का, वो एंटीबायोटिक का काम करता है पशुओं के लिए जी। और जो थन में सूजन होता है तो उसके लिए तो इंजेक्शन भी है लेकिन उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है जी। लेकिन धनिया का पत्ता हरा देने से या सूखा देने से उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हरा धनिया सूजन होने पे दे सकते? हाँ हाँ बिल्कुल, 250 ग्राम सुबह 250 ग्राम शाम 4-5 दिन तक देने से उसका लाभ ही लाभ है, हानि किसी तरह का नहीं है। अच्छा ये बच्चा है सर, इसको दूध देखा मैंने, साथ में नहीं पिलाते हैं, जो दूध गाय से निकाल लिया उसके बाद इसको अलग से दूध पिलाते हैं। तो ये एक अच्छा एक और अनुभव किसानों के लिए कि जो हाई मिल्किंग गाय हैं उनको डायरेक्ट दूध न पिला करके बच्चा खोल के इनको अलग से दूध पिलाया जाना, ये बेहतर है सर? हाँ बिल्कुल, थन में प्रेशर मारने से उसको थनैल का डर होता है जी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शुरू में प्रेशर मारने से फट जाने से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, दूध में ब्लीडिंग हो जाता है नस हेमरेज करने से, जिसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है थन में जी। और ऐसे करने से लाभ है, कोई किसी तरह का कोई हानि नहीं है। देहात में ज़्यादातर लोग को डायरेक्ट ही पिला देते हैं। हाँ, तो गलत नहीं? हाँ बिल्कुल 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 गलत है। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छा सर से बातचीत हुआ, भविष्य में सर से दोबारा मुलाकात होगा। और आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। लोगों का आपने जो ये जानकारी देकर के सहयोग किया है, ये बहुत बड़ा योगदान या बदलाव का कारण बन सकता है बिहार के अंदर, और आपके बाद को जो इस क्षेत्र में यंगस्टर आगे बढ़ेंगे तो इंडिया या बिहार का भविष्य इस क्षेत्र में बदलेगा, लोगों का सोच भी शायद बदल जाए तब तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।